रहता था। वह बेहद खूबसूरत था क्योंकि वह बिल्कुल सफेद रंग का शेर था। जंगल के जानवरों ने सिम्बा को ही जंगल का राजा बनाया हुआ था। सफेद शेर दिन भर जंगल में घूमता और जंगल की देखभाल किया करता था। एक दिन भालू सफेद शेर से कहता है, अरे शेर महाराज, आप दिन भर यूं जंगल में घूमते रहते हैं और आप जंगल की देखभाल करने में अपना पूरा समय लगा देते हैं। हमें आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। अरे भालू, भला ये जंगल ही तो मेरा सब कुछ है, अब तुम ही बताओ मैं इस जंगल के अलावा कहाँ जाऊँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सफेद शेर दिन भर जंगल में घूमता रहता और थक हार कर अपनी गुफा में चला जाता था। एक बार जंगल में तीन खूंखार रंगीन भेड़िए आ जाते हैं। उनमें से एक भेड़िया लाल रंग का था जिसके मुंह से आग निकल रही थी, और दूसरा हरे रंग का था जो कि बिजली का करंट छोड़ा करता था, और वहीं तीसरा भेड़िया सुनहरे रंग का था जिसके अंदर से काला धुआं निकलता रहता था। वे तीनों भेड़िए जंगल से जादुई ताज चुराने आए थे और वे आपस में बातें कर रहे थे। हम तीनों को मिलकर ये काम करना होगा, तभी हम अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। थोड़ी ही दूर खड़ा एक जंगली सुअर उनकी ये बातें सुन रहा था। तभी उन भेड़ियों की नजर उस पर पड़ती है और वे तीनों मिलकर उसे वहीं पर मार डालते हैं और बोलते हैं, अरे भाइयों, ये काम हमें बिल्कुल खुफिया तौर पर करना होगा, कोई भी जानवर हमें जंगल में ना देख पाए। फिर वे तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ देर बाद जब सफेद शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसको वह सुअर मरा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर सफेद शेर सोचता है, ये मेरे जंगल में किसने किया? मैं इतनी मेहनत से जंगल की देखभाल करता हूँ, फिर ऐसा कौन कर सकता है? मुझे इस राज को जल्दी से जल्दी ही सुलझाना होगा। फिर शेर लोमड़ी को अपने पास बुलाता है और कहता है, लोमड़ी, तुम जानती हो जंगल में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जंगल में महाराज? मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने आज जंगल में एक जानवर को मरे हुए देखा है, मेरे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? किसने मारा होगा उस जानवर को? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर जंगल में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर शेर और वह लोमड़ी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और कुछ दूर चलने पर लोमड़ी की नजर एक लाल भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए को देखकर लोमड़ी डर जाती है और शेर से कहती है, महाराज, आप इस भेड़िए का कैसे मुकाबला करेंगे? मुझे तो ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है और इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। डरपोक कहेगी, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं उस भेड़ियों को सबक सिखा कर आता हूँ। मगर याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम काली पहाड़ी के पास जाकर मेरा जादुई ताज लेकर आ जाना, फिर मैं उस ताज को पहनकर इन भेड़ियों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं इस भेड़िए का शिकार आसानी से कर पाऊंगा। जादुई ताज? मगर आप तो एक साधारण शेर हो महाराज, फिर आपके पास जादुई ताज कहाँ से आया? अरे मूर्ख लोमड़ी, वो कोई मामूली ताज नहीं है, वह ताज मुझे जंगल की रक्षा करने के लिए वन देवता ने दिया था, मगर उसकी आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, अब हम सबको उसकी जरूरत है। मगर महाराज, आपने उस ताज को जानवरों से क्यों छिपा कर रखा था? अगर मैं सब जानवरों को उस ताज का राज बता देता तो उसकी सब शक्तियाँ समाप्त हो जाती और वह एक मामूली ताज बन जाता। आज मुसीबत के वक्त मैं उसकी सच्चाई तुम्हें बता रहा हूँ, इस मुसीबत के टल जाने के बाद वह ताज एक मामूली ताज में बदल जाएगा और फिर मैं भी एक साधारण शेर की तरह ही तुम सबके साथ रहूंगा। ऐसा कहकर शेर उस भेड़िए के पास जाता है। सफेद शेर को देखकर भेड़िया अपने सब साथियों को बुला लेता है। अच्छा,
तो ये है वो सफेद शेर जिसके पास वह जादुई ताज है। ये तो हमारे पास खुद ही चलकर आ गया है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम बिना लड़े उस ताज का पता हमें बता दो। हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे सफेद शेर। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला दुष्ट भेड़ियो, चाहे तुम मुझे मार ही डालो। ये सब सुनकर वे तीनों भेड़िए उस शेर पर अपनी अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं। उन भेड़ियों के हमले से सफेद शेर जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वह लोमड़ी उस जादुई ताज को लेकर आ जाती है और सफेद शेर के ऊपर रख देती है। ताज के मिलते ही सफेद शेर फिर से ठीक हो जाता है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाता है। अब सफेद शेर उन भेड़ियों पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है और उन्हें वहीं पर मार डालता है। उन भेड़ियों के मरने के बाद उस ताज की सारी शक्तियां आसमान में चली जाती हैं और सफेद शेर फिर से एक साधारण शेर की तरह जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाता है। खूनी सफेद शेर, बाघ की आत्मा और जादुई रंगीन चीते। सोनपुर नामक जंगल में सभी जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे। उनका